ओके सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारे पास तुम्हारी किट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं शेयर कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। सो या आज मैं अपनी ट्रैवलिंग किट रेडी कर रही हूँ मेकअप की। यस, जो ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा कुछ कुछ पाँच छः चीज़ों में एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो, और अगर तुम खुद के लिए भी अपना वैनिटी रेडी कर रहे हो तो सिंपल सी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, एक आपके पास पर्स या बैग जिसको हम बोलते हैं वैनिटी बैग ट्रैवल करने के लिए होना चाहिए, जो मैंने बाय किया था आजियो से। यस, और अब मैं तुमको सारे ही प्रोडक्ट्स अपने दिखा रही हूँ जो मैं अपनी वैनिटी में अपने बैग में ऐड कर रही हूँ ले जाने के लिए। एंड दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए जो इजीली ट्रैवल करने पर तुम हैंडल कर पाओ। यस, सबसे पहले चाहिए एक ये बैग। इसमें मैं सबसे पहली चीज़ अपनी ऐड करती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा बुरलन। यस, इसके बिना तो मेरा किट इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं नाइट में भी इसको यूज़ करती हूँ और मॉर्निंग में भी, और मेकअप करने के पहले एज अ मॉइस्चराइजर मैं अपना बुरलन एंटीसेप्टिक ज़रूर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मुझे चाहिए काजल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्टली प्लम का ब्लैक काजल यूज़ करती हूँ, उसके बाद एक वाइट, और अगर मुझे ब्राउन चाहिए तो मैं उसके लिए ये दोनों यूज़ कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक बहुत अच्छा सा हैंड मॉइस्चराइजर जो मेरा ये वाला फेवरेट है। इसके यूज़ करने के बाद एक लिप बाम तो रख ही लेना चाहिए, तो मैं निविया की यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट फाउंडेशन ना रख के मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, जो क्योंकि बाहर यार फाउंडेशन बहुत हैवी हो जाता है, हमको शादी पार्टी में तो जाना नहीं है, घूमने जाना है, बीबी क्रीम इज़ मोस्टली वर्थ इट। तो एक इसको हम अपनी वैनिटी में ऐड कर लेते हैं। सबसे प्यारा सा अपना फेवरेट स्पॉन्ज जो भी आप यूज़ करते हो, ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट आप अपने डियोस या आप अपने बैग में ऐड कर लेना जो मैं अपने बैग में रखती हूँ, बट हम अपनी वैनिटी में और क्या रख सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये नायका का परफ्यूम यूज़ करती हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ट्रैवल फ्रेंडली आप अपने लिए बाय कर लो। ये मैंने लिया था मोई बाय नायका, यस, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मैं अपनी वैनिटी में रखती हूँ। नेक्स्ट मेरी वुड कॉम विच आई लाइक द मोस्ट। उसके बाद बहुत अच्छा सा एक ब्रश भी तो होना चाहिए हमको शर्माने के लिए, हम शर्मा तो पाएंगे नहीं बाहर जाके थक जाते हैं, तो नकली दिखाने के लिए पिंक होनी चाहिए हमारे पास चीज़, तो इसको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। लूज पाउडर के लिए मैं पॉन्सी यूज़ करती हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट हो तो वो यूज़ कर लेना, मेरे को ये चीज़ें हैंडी लगती हैं। और अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो आ रहा है एक ग्रीन टी का ये वाला मॉइस्चराइजर, बहुत ज़्यादा स्लिम सा पतला सा हल्का सा है, इसको यूज़ कर लो। फेस वॉश के लिए भी एक फेस वॉश डाल लो अपने बैग में कोई सा भी। नेक्स्ट अगर तुम फेस सीरम यूज़ करते हो तो सीरम डाल लो, मैं यहाँ पे अभी ये रिसेंटली सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ कर रही हूँ फॉर माई एक्ने, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हमारा ब्राउ मेकिंग ब्रश, अगर तुम ब्राउ बनाना पसंद करते हो तो, मेरे को ज़रूरत नहीं रहती बट अगर कभी ज़रूरत रहती है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, तो इसको भी डाल लो, छोटी सी जगह में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद कुछ भी नहीं, एक प्यारा सा रबर बैंड एंड देन हमारी वैनिटी इज रेडी। यस, एकदम बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और सारी ही एसेंशियल चीज़ इसके। ये मेरी ट्रैवल किट रेडी है फॉर बिगनर और एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, इन चीज़ों की तो सबको ज़रूरत पड़ती पड़ती है हमारी डेली रूटीन में। बाकी इसके साथ अगर तुम अपनी मेकअप की वैनिटी ले जाना चाहते हो तो वो तो ले के जाना, बट ये मेरी सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने साथ हर जगह प्रोडक्ट कैरी करती हूँ। ओके, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय।